आज मैं आपको घर के सिंपल से नेचुरल इंग्रेडिएंट काम में लेके स्किन को कैसे फर्म, टाइट और यूथफुल बनाते हैं इसकी बात करने वाली हूँ। जिन लोगों की स्किन काफ़ी लूज और सैगी हो गई है, जो लोग 30 के हैं बट 45 के दिखने लगे हैं, आज की रेमेडी मेरी सिर्फ आप लोगों के लिए है। आइए उसे देखते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ और उसे कैसे अप्लाई करना है। इन सबको जानने के लिए आप लोग मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लैक्सीड ली है, जिसे हम अलसी बोलते हैं। DIY करने के लिए मुझे इसका पाउडर चाहिए। अब मैं इस अलसी को अगर डायरेक्टली पीसती हूँ तो इसके अंदर नमी है, ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। इस कारण मैंने इसको हल्का सा टोस्ट कर लिया है, जिससे इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। ज़्यादा हमें भुनना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए हल्का सा टोस्ट करना है। अब मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ, ग्राइंड करने के बाद छान लूँगी। छानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अलसी के अंदर छिलके होते हैं, तो ये हमें दिक्कत करेंगे। तो आप इसको छान लेंगे तो अच्छा फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। अब मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे काम में लेती हूँ, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा बना के रखा है। आप लोग भी इसे लंबे टाइम के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपका कंटेनर साफ़ सुथरा और ड्राई होना चाहिए। फ्लैक्सीड एंटीऑक्सीडेंट एंड लिग्निन का रिच सोर्स होता है। ये न्यू सेल टर्नओवर को प्रमोट करता है। न्यू सेल टर्नओवर स्किन के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ओल्ड स्किन सेल्स होती है वो न्यू स्किन सेल्स से रिप्लेस होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे जो रिप्लेसमेंट टाइम होता है, नई नई सेल्स को रिप्लेस करने वाला टाइम होता है, वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारी स्किन एकदम डल दिखने लगती है। फ्लैक्सीड का रेगुलर यूज़ करने से जो ये रिप्लेसमेंट टाइम होता है, ये स्लो हो जाता है। जल्दी जल्दी से न्यू सेल्स में वो कन्वर्ट होता है, उससे हमारी स्किन एकदम स्मूथ, रेडिएंट और हेल्दी दिखने लगती है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर लिया है। फ्लैक्सीड पाउडर स्किन के अंदर जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है, उसको ये बूस्ट करता है और हमारी स्किन को एकदम ये फर्म, टाइट और यूथफुल बनाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दाना मेथी पाउडर लिया है। दाना मेथी पाउडर भी इक्वली यूजफुल है स्किन को टाइट करने के लिए। इसमें स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दाना मेथी का पाउडर मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया था जैसे मैंने फ्लैक्सीड पाउडर प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ग्लिसरीन लिए। सर्दियों का सीजन भी आ गया है, हमारी स्किन एकदम ड्राई ड्राई रहती है, तो ग्लिसरीन यहाँ पे स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है। ये मैं आपको 7 डेज का चैलेंज करती हूँ, आप इसे 7 दिन रेगुलर यूज करके देखिए, ये आपकी स्किन की काया ही पलट देगा। आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आप खुद इसे अप्लाई करके देखिए। बस आप मेरे कहने पे 7 दिन अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी स्किन को देखिए, क्या आपकी स्किन दिखेगी, आपकी एकदम स्किन ही चेंज हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 लेमन ड्रॉप्स ऐड किए हैं। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, जिन्हें सूट नहीं करता है, वो इसे स्किप कर सकते हैं, बट जिन्हें सूट करता है वो ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, और वो स्किन टोन को भी लाइट करने में हेल्प करता है। अब मैंने इसमें रो मिल्क ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्लैक्सीड और दाना मेथी दोनों ही ऐसी चीज़ है, मिल्क को एब्जॉर्ब करती है, तो इसमें मिल्क हमें ज़्यादा लगेगा। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल्क ऐड कर लीजिए। हमें एक स्मूथ सा पेस्ट चाहिए जो फेस पर आसानी से अप्लाई हो जाए। ये मेरा पैक एकदम रेडी हो गया है फेस पर अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने से पहले क्या करना है, हमें फेस क्लीन करना है। तो जो भी आप फेस वॉश काम में लेते हैं, उससे आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हमें टोनिंग करनी है, हमें टोनर काम में लेना है। जो टोनर आप काम में लेते हैं आप वो यूज़ करिए। मुझे रोज़ वाटर बेस्ट लगता है, मैं एज अ टोनर हमेशा रोज़ वाटर काम में लेती। उसके बाद आप इसे अप्लाई कर लीजिए। हम ये स्किन टाइटनिंग मास्क लगा रहे हैं, तो ये हमें अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अच्छी सी एक थिक लेयर लगा लीजिए। इसे हमें 20 से 25 मिनट के लिए अपने फेस पर रहने देना है। अगर आप लोग उस टाइम लेट सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। लेटने से हमारा पोस्चर एकदम परफेक्ट रहता है, जो हमारा फेस होता है एकदम स्ट्रेट रहेगा, उससे जो स्किन टाइटनिंग मास्क है, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे।
ये ड्राई हो जाने के बाद आप इस पर पानी स्प्लैश कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए इसे वॉश कर लीजिए। फेस वॉश कर लेने के बाद आप दोबारा से टोनर अप्लाई कीजिए और उसके बाद मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन हमें अप्लाई करना है। इस रेमेडी को आप लगातार 7 दिन तक करिए। एक हफ्ता लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इसे बंद कर देंगे, उसके बाद आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे लगातार काम में लेते रहिए। कुछ ही हफ्तों में आपको एकदम शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। आपको अपनी स्किन फॉर्म और टाइट दिखने लगेगी और टाइट दिखने के साथ साथ जो फेस पर ग्लो आएगा उसकी तो बात ही कुछ और है। अगर आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। कीप अप्लाइंग, कीप ग्लोइंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।